हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, जिसको आप फीचर्स ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का लिमिटेशंस क्या क्या होता है। लिमिटेशंस मीन्स ये होता है कि डिसएडवांटेज, ठीक है, कि कंप्यूटर का डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप जानते हो कि कंप्यूटर का जो पहला डिसएडवांटेज है कि कंप्यूटर के पास सोचने समझने का कोई भी क्षमता नहीं होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं आईक्यू पावर, ठीक है। उसके पास आईक्यू पावर नहीं होता है, वो कुछ सोच नहीं सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट इसका जो लिमिटेशन है वो है नो आईक्यू। आईक्यू मतलब होता है सोचने का क्षमता कंप्यूटर के पास में नहीं होता है। मीन्स जब तक हम लोग कंप्यूटर को कुछ इनपुट ना करें कंप्यूटर में, तब तक कंप्यूटर काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर वो समझता सोचता तो हम लोग एटीएम के पास जाते और बोलते कि मेरे को पैसा चाहिए, तो वो दे देता, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसमें इनपुट करना है, कार्ड इंसर्ट करना पड़ता है, तब वो इंस्ट्रक्शंस के ऊपर में काम करता है। इसका मतलब ये है कि उसको हम जैसे जैसे काम करने बोलेंगे वैसे वैसे वो काम करेगा, वो अपने माइंड से अपने दिमाग से कुछ भी काम नहीं करेगा। मीन्स उसके पास सोचने का क्षमता नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं नो आईक्यू, ठीक है। जो डिवाइस के पास सोचने समझने का क्षमता नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं नो आईक्यू पावर। सिंपल लिखा हुआ है, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक बाय इटसेल्फ। मतलब ये होता है कि कंप्यूटर नहीं सोच सकता है, ठीक है, अपने द्वारा, मतलब खुद से वो कुछ भी नहीं सोच सकता है ना समझ सकता है, ठीक है। एंड डज नॉट हैव कॉमन सेंस, मतलब ना कंप्यूटर सोच सकता है ना कंप्यूटर के पास में कॉमन सेंस होता है, मतलब दिमाग नहीं होता कंप्यूटर के पास में। इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस, मतलब वो पूरा पूरी जो है वो हम लोग के ऊपर में आश्रित रहता है। हम लोग अगर कुछ उसको बताएंगे तभी वो काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, फर्स्ट पॉइंट ये हम लोग पढ़े कि कंप्यूटर के पास में आईक्यू पावर नहीं होता है, ठीक है। कंप्यूटर हैज नो आईक्यू पावर, ठीक है। कंप्यूटर डज नॉट हैव कॉमन सेंस, कंप्यूटर के पास में कॉमन सेंस नहीं होता है। कंप्यूटर टोटली डिपेंड्स ऑन द ह्यूमंस, कंप्यूटर किसके ऊपर डिपेंड रहता है, ह्यूमंस के ऊपर में डिपेंड रहता है। तो ये लाइन आया समझ में कि कंप्यूटर के पास सोचने की क्षमता नहीं होती है, उसके पास कॉमन सेंस नहीं होता है, वो टोटली डिपेंड होता है किसके ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर। तो क्या ये फर्स्ट लाइन क्लियर है, नो आईक्यू मतलब ये है कि कंप्यूटर कैन नॉट थिंक अबाउट इटसेल्फ, मींस कंप्यूटर अपने से खुद से कुछ भी सोच नहीं सकता है, और कंप्यूटर के पास एंड डज नॉट हैव कॉमन सेंस, मतलब कंप्यूटर के पास कुछ भी कॉमन सेंस नहीं होता है, मतलब दिमाग नहीं होता है। नेक्स्ट, इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस, मतलब वो ह्यूमंस मतलब हो गए हम लोग, किसके ऊपर डिपेंड होता है, कंप्यूटर हम लोग के ऊपर में डिपेंड होता है। लाइन आया समझ में, फर्स्ट लिमिटेशन में क्या लिखेंगे कि नो आईक्यू, इसमें क्या लिखेंगे, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक अबाउट इटसेल्फ, कंप्यूटर खुद से नहीं सोच सकता है। कंप्यूटर डज नॉट हैव कॉमन सेंस, कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं होता है, ठीक है। कंप्यूटर टोटली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस, किसके ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग के ऊपर में डिपेंड होता है कंप्यूटर। फर्स्ट लाइन क्लियर है, इसमें तीन पॉइंट याद रखना है, कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर खुद से नहीं सोच सकता है, इटसेल्फ मतलब होता है स्वयं, अपने से नहीं सोच सकता है, कंप्यूटर के पास कॉमन सेंस नहीं होता है, मतलब दिमाग नहीं होता है, कंप्यूटर पूरा टोटली मतलब पूरा आश्रित होता है, डिपेंड मतलब आश्रित होता है ह्यूमंस के ऊपर में, मतलब हम लोग के ऊपर में डिपेंडेंट होता है। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब कंप्यूटर के पास डिसीजन लेने का क्षमता नहीं होता है, क्या सही है क्या गलत है, ये पावर नहीं है कंप्यूटर के पास में। अगर आपने गलत इनपुट दिया कंप्यूटर को तो आउटपुट भी गलत देगा, ये नहीं वो डिसाइड करेगा कि आपने इनपुट गलत डाला तो बताएगा आपको आप सही डालो, ऐसा नहीं करेगा वो।
उसको आप जैसे दोगे इंस्ट्रक्शन वैसा ही वो काम करेगा, मतलब उसके पास सोचने की क्षमता नहीं होती है। तो ही बोला है लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब कंप्यूटर का जो पावर है डिसीजन लेने का वो बहुत ही कम होता है। वही लिखा हुआ है नीचे में, समझिएगा, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, समझ पा रहा है, कंप्यूटर सोच नहीं सकता है, थिंक मतलब सोचना, कंप्यूटर नहीं सोच सकता है, कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले सकता है, टेक मतलब लेना, ठीक है, डिसीजन मतलब क्या, निर्णय, समझ में आ रहा है, कंप्यूटर सोच नहीं सकता है, अपने से निर्णय नहीं ले सकता है, समझ में आ रहा है। इफ रॉन्ग, इफ रॉन्ग मतलब गलत, ठीक है, अगर आप गलत डेटा प्रोवाइड करते हो, किसको, कंप्यूटर को, प्रोवाइड मतलब देते हो, तो वो आउटपुट क्या देगा, गलत देगा, रॉन्ग आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, मतलब जो भी देगा आउटपुट वो गलत देगा। तो सिंपल हो गया, लैक ऑफ डिसीजन पावर मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर के पास, ठीक है, सोच नहीं सकता है कंप्यूटर, कंप्यूटर सोच नहीं सकता है, डिसीजन नहीं ले सकता है, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, कंप्यूटर कैन नॉट टेक डिसीजन, समझ में आया, कंप्यूटर सोच नहीं सकता है, कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले सकता है, समझ में आ रहा है। अगर आपने गलत आउटपुट प्रोवाइड किया, इनपुट सॉरी, गलत डेटा दिया कंप्यूटर को, क्या दिया, गलत डेटा, डेटा मींस इनपुट, जो भी आपने इनपुट दिया, अगर वो गलत इनपुट दिया तो आउटपुट भी उसका क्या आने वाला है, गलत आने वाला है। अगर वो खुद से डिसीजन ले पाता तो गलत को सही में चेंज कर सकता था, लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि वो सोच नहीं पाता, जिसके कारण से वो गलत डिसीजन लेता है। तो वही लिखा हुआ है, ठीक है, इफ रॉन्ग डेटा प्रोवाइडेड कंप्यूटर विल प्रोड्यूस रॉन्ग आउटपुट, समझ में आया, अगर आप रॉन्ग डेटा प्रोवाइड करोगे कंप्यूटर को तो आउटपुट भी वो रॉन्ग ही प्रोवाइड करेगा, आपको रॉन्ग आउटपुट देगा, सही आउटपुट नहीं देगा। तो फर्स्ट ये सेकंड पॉइंट आया समझ में, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक और टेक डिसीजंस, मतलब कंप्यूटर सोच नहीं सकता है, कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले सकता, टेक मींस लेना, समझ में आ रहा है, कंप्यूटर डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। अगर आप रॉन्ग आउटपुट, रॉन्ग डेटा प्रोवाइड करते हो कंप्यूटर को तो आपका आउटपुट भी वो रॉन्ग देगा, समझ में आया, रॉन्ग डेटा दोगे कंप्यूटर को तो रॉन्ग आउटपुट देगा, समझ में आया। नेक्स्ट, नो ह्यूरिस्टिक्स, मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर के पास लर्न करने की क्षमता नहीं होता है, मतलब कंप्यूटर खुद से नहीं पढ़ सकता है, क्या नहीं पढ़ सकता कि पहले हम क्या गलती किए थे, ये कंप्यूटर को समझना नहीं, जो प्रेजेंट इनपुट दोगे वो उसी पे काम करेगा, पीछे क्या था आगे क्या था इससे कुछ भी मतलब कंप्यूटर को नहीं होता है। वही सिंपल लिखा हुआ है, कंप्यूटर कैन नॉट लर्न फ्रॉम प्रीवियस मिस्टेक्स, मतलब पिछले वाले मिस्टेक से वो कुछ भी नहीं पढ़ सकता है, कुछ भी देख नहीं सकता है, ठीक है, उसको पिछले वाले मिस्टेक से कोई मतलब नहीं, जो आप प्रेजेंट टाइम में काम करोगे उसी पे वो काम करेगा, आया समझ में। नेक्स्ट, इट रिक्वायर्ड पावर टू ऑपरेट, मतलब ये भी डिसएडवांटेज है कंप्यूटर का कि कंप्यूटर चलाने के लिए उसको पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तभी वो चलेगा, नहीं तो वो चलेगा ही नहीं, तो ये भी डिसएडवांटेज, जो बिना पावर का चलता तो एडवांटेज हो जाता। तो वही सिंपल लिखा हुआ है, कंप्यूटर रिक्वायर्ड पावर टू ऑपरेट, मतलब ऑपरेट मतलब चलाना, ठीक है, कंप्यूटर को चलाने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए, मतलब बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आया समझ में, क्लियर है। नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है, प्रॉब्लम में अकर, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम मिलता है ड्यू टू सिस्टम, सिस्टम ब्रेक डाउन, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम मिलेगा जिसके चलते सिस्टम ब्रेक डाउन हो सकता है, मतलब सिस्टम आपका बंद हो सकता है, ब्रेक डाउन मतलब खराब हो सकता है आपका सिस्टम, समझ में आया, अगर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम मिलेगा तो आपका सिस्टम खराब भी हो सकता है, समझ में आया। कितना पॉइंट बताया, पांच पॉइंट बताया आपको। पहला नो आईक्यू, मतलब कंप्यूटर के पास सोचने की क्षमता नहीं होती है, उसके पास कॉमन सेंस नहीं होता है, वो पूरा डिपेंड होता है ह्यूमंस के ऊपर, हम लोग के ऊपर डिपेंड होता है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड क्या बताया आपको, कंप्यूटर के पास डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती है, लैक ऑफ डिसीजन पावर, ठीक है, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, कंप्यूटर के पास कुछ भी डिसीजन लेने का क्षमता नहीं होता है, कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, कैन नॉट टेक डिसीजन, कंप्यूटर ना सोच सकता है ना वो डिसीजन ले सकता है, समझ में आया। अगर आप रॉन्ग आउटपुट
रॉन्ग इनपुट दोगे कंप्यूटर को तो आउटपुट भी रॉन्ग देगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या पता है, नो ह्यूरिस्टिक्स, मतलब इसमें क्या पता है कि कंप्यूटर अगर पिछले में कुछ गलती किया है तो उससे वो कुछ भी सीखने वाला नहीं है, वो प्रेजेंट में जो काम करेगा उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। समझ में आया? नेक्स्ट, कंप्यूटर चलाने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए। चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या बताया है कि अगर कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम मिलता है तो कंप्यूटर आपका ब्रेक डाउन हो सकता है, मतलब खराब हो सकता है, शट डाउन हो सकता है। समझ में आया पांचों पॉइंट? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, याद रहेगा, नो ह्यूरिस्टिक, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, नो ह्यूरिस्टिक्स, ठीक है, पावर चाहिए उसको, और कुछ भी प्रॉब्लम मिलेगा तो वो ब्रेक डाउन हो सकता है कंप्यूटर। क्लियर है? ठीक है, थैंक यू, आज यहीं तक।